चंदौली रेडियो नगर के एक निजी क्लिनिक संचालक पर नर्स ने लगाए गंभीर आरोप। भद्दी भद्दी गाली देने व अभद्र आचरण का लगाया है आरोप। सैलरी न देने व तरह तरह की प्रताड़ना के लगाए नर्स ने आरोप। चिकित्सक ने नर्स के सभी लगाए गए आरोपों को बताया झूठा। नर्स ने अपनी प्रताड़ना को लेकर थाने में पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। वहीं दूसरी ओर नर्स के खिलाफ डॉक्टर ने भी की थाने में शिकायत। दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर जांच में जुट गई है मुगलसराय पुलिस। डीडीयू नगर के शक्ति क्लिनिक का है पूरा मामला। संवाददाता कार्तिकेय पांडे की रिपोर्ट। जी बताएं। मेरा नाम डॉक्टर मृदुल प्रसाद, मैं शक्ति क्लिनिक का चिकित्सक हूँ। हमारे यहाँ ये आंचल डुप्लीकेट नाम असली नाम चंद निकला नाम की हमारे यहाँ आई थी और डॉक्टर अनंत तिवारी चंदौली के बोले डॉक्टर गुंडर से डॉक्टर जरूरत है हमें ठीक है दे दीजिए। उनको अपने यहाँ रख लिया हमने। रखने के बाद कार्य ठीक चल रहा था मगर बाद में उन्होंने जो भी वजह हो जो भी अनगल अपना जो इधर बात करना फोन से बात करना था उन्हें मना किया कि आप फोन का प्रयोग मत करिए अस्पताल में, आप जाइए अपना फोन लीजिए। उसको बात को न मानना, कोई बात कहे उसको झपट के जवाब देना, कोई बात न करना, कोई बात हम कहेंगे तो उसका मैं यहाँ ड्यूटी करने वाले मना करूँगी, हम वहाँ ड्यूटी नहीं करूँगी, ये काम मैं नहीं करूँगी। कोई स्टाफ भी से बोलता है कि दीदी ऐसा क्यों करती हैं, उसके झापड़ से मारने की धमकी देना और उठवा लेना, आप नर्सिंग होम को मैं खाक मिला दूंगा, इस तरह के ऊपर बदतमीजी करने का तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? इससे सारा गलत है सर। अगर बदतमीजी मैं करता तो यहाँ दुखती क्यों? इसमें बिल्कुल ब्लेम है अपने महिला और हरिजन होने का। ये अपना एक चाती फायदा उठाना डॉक्टर में चुनने के बारे में पूरा खंगाल सकते हैं, जांच सकते हैं और आपको यहाँ जितने स्टाफ है उनसे बात कर सकते हैं क्या ऐसा है। मैं जरूर कभी कोई गलती पर डांट दिया हूँगा भाई, जिस प्रकार को उन्हीं गाली ऐसा मैं क्यों करूँगा। और कंप्लेन आपने किया हुआ है थाने में इनके खिलाफ? थाने में कंप्लेन मैंने इसलिए किया, मैं 6 महीने से करते करते आज मैं कर्ज किया मैंने इनको हटाने के लिए बोला कि आप चले यहाँ से अपना पेमेंट इनको रिवर मिलता है सब। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।